मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए शिवराज सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में भूमि नौकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि किसान अब अपनी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगा सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन्हें बिजली मिलेगी बल्कि MBPP को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है और उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा को बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के रूप में देखा जा रहा है, और मुझे खुशी है कि अभी 1500 मेगावाट आगर, शाजापुर और नीमच में अभी जो 25 तारीख को भूमि पूजन हुआ है, और उसके बाद जो किसान हैं अपनी खेती पर जो एक अनुपजाऊ ज़मीन है उस पर भी वो अपना सोलर प्लांट लगाकर एक इनकम के जरिए इनकम भी कर सकते हैं और अपनी खेती को वो विद्युत उपलब्ध करा सकते हैं और अधिक उत्पादन होता है तो उसको खरीदने का काम भी MPP करेगी। इसके लिए हमारा 25 तारीख को एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है और मेरा मानना है कि जब हमारा अभी फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट का वो भी अभी प्रारंभ होने वाला है, छतरपुर मुरैना वो भी प्रारंभ होने वाला है, हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इस विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में एक नवाचार है और बढ़ते हुए कदम है।